बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का फोर्थ केस देख रहे हैं। इसके ये चार केस थे। अभी इस केस में हम क्या देखते हैं कि जब रिएक्टेंट है हमारे पास, वो जस्ट दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, जिसका मतलब है कि एक जो रिएक्टेंट है उसके दो मालिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हो इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। वेन ओनली टू रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, हम इस केस को देखते हैं। सम टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट देन द अदर, ठीक है। कि इसके लिहाज से रेट जो है हमारे पास, ये जो फर्स्ट वाला रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, कि एक रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन के स्केयर से ये डिपेंडेंट है और दूसरे की जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है रेज टू पावर वन होगी। तो और इसका अगर हम सम करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि ये थ्री आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कंसीडर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप इन विच द टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए, कि इसके रिएक्टेंट ए के हमारे पास दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ए बी का हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आर रिएक्टिंग विद द वन मोल ऑफ रिएक्टेंट बी टू गिव द प्रोडक्ट। The initial concentration of reactant A is A and the and that of B is small b as given below, ठीक है। हमारा वही काम करना हमने कि हमारे पास जो है पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे और से रेट ला कर डिटर्मिन करेंगे कि टू मॉलिक्यूल या टू मोल ऑफ A रिएक्ट करने हैं एक मोल ऑफ B के साथ और प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब टाइम जीरो है हमारे पास तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, के हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। और साथ साथ ए की वैल्यू क्या है, ए है, और बी की वैल्यू हमारे पास बी। जब कुछ टाइम गुजर जाता है, टी इज इक्वल टू टी स्पेसिफिक टाइम, अब हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गई है, तो बी की कंसंट्रेशन के अंदर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी माइनस एक्स। और ए के लिए अब इसके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ए माइनस टू एक्स आएगा। अब रेट ला लिखेंगे हम कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर टू एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वन। यहाँ से रेट कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास अब इनिशियल कंसंट्रेशन की बजाय हम क्या है, अवेलेबल कंसंट्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन द अबव इक्वेशन, कि जो जो वेरिएबल्स हैं हम उनको सेपरेट आउट करेंगे और उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास ये जो है एक्स की टर्म है, तो एक्स की टर्म को हम जो है यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं हम उनको देखते हैं कि इस इक्वेशन के वेरिएबल्स हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, तो इक्वेशन के को जब रीअरेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और यहाँ से डी टी जो है इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। डी टी की आपको इंटीग्रेशन पता है कि के टी प्लस सी बन जाएगा इस साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसके लिए आपको पता है कि साइड को हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि नीचे इस कोफिशेंट के लिहाज से तीन टर्म बनती हैं, ठीक है। एक टर्म ऐसी जिसमें हम कोफिशेंट नहीं लगा रहे इसका, ठीक है, ये जो पार है वो नहीं लगती। दूसरे वाली क्या होगी कि इसमें सेकंड जो है इसका स्केयर लग जाएगा, और उसके बाद ये जो है हमारे पास बी माइनस एक्स वाली टर्म जो है सेम आ जाएगी। अगर फर्ज करें यहाँ पे थ्री होता तो फिर हम क्या करते हैं कि इस पार वन वाला भी करते, टू वाला भी करते और थ्री वाला भी करते, और उसके बाद जो अगर नेक्स्ट टर्म होती तो वो फिर वो करते, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल के मुताबिक हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कर रहे हैं। आपको पता है जितनी टर्म्स हैं उनके लिए हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, ए बी एंड सी, ठीक। अब ए बी सी कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, हमने ए बी सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम फाइनल इक्वेशन निकालेंगे और फिर हम इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसा ही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टर्म को जीरो वन करने के लिए क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को ए माइनस टू एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय बी माइनस एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इधर वाली साइड टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी साइड पर क्या है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो ऊपर अगर कैंसिल आउट हो रही है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी और जो रिमेनिंग या ए के साथ टर्म रह जाएगी वो आ जाएगी।
ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये स्केयर है, ये इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल एक 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 टर्म रह जाएगी और बी माइनस एक्स इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। तो ए क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए इंटू ए माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय बी माइनस एक्स। इसी तरह हम बी को देखेंगे कि बी के लिए जब इन दोनों टर्म को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो ए माइनस टू एक्स स्केयर तो डिनोमिनेटर में इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू बी माइनस एक्स। इसी तरह सी की वैल्यू के साथ जब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो बी माइनस एक्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ में हमारे पास ए माइनस टू एक्स स्केयर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे पहले करते हैं कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है हमने, तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बी माइनस एक्स क्या है हमारे पास, अगर जीरो है तो हम एक्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, बी आ जाता है। तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम बी पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। मीन बी माइनस बी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड टर्म जीरो होगी। इसी तरह बी माइनस बी करेंगे तो ये बी वाली टर्म जीरो हो जाएगी और ए माइनस टू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टू बी, और इसका होल स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स कैंसिल आउट होगी, मीन जीरो हो गई है हमारे पास ए और बी की, और जो रिमेनिंग हमारे पास सी की कंसंट्रेशन रहेगी, सी की वैल्यू रहेगी, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू क्या बन जाती है, सी इज इक्वल टू वन ओवर ए माइनस टू बी स्केयर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं कि इस, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली 5.34, इसमें आपस में इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह बी को बी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म का पहले स्क्वायर ओपन करेंगे उसके साथ, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही काम किया गया है कि बी को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ए बी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी माइनस ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इन सारी चारों टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए ए बी माइनस ए ए एक्स माइनस टू ए बी एक्स प्लस टू ए एक्स। इसी तरह इस बी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो जब हम इस बी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी बी माइनस टू बी एक्स बन जाएगा। अब ये जो टर्म है हमारे पास ए माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपने इसका इसको खुद से ओपन करके देखना है। जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर बनेगा माइनस फोर ए एक्स बनेगा। यहाँ पे जो है ना फोर मिसिंग है, आप लोगों ने इसके अंदर जो आप लोग नोट्स लिखोगे या आपके पास जो नोट्स हैं आप उसके अंदर फोर को ऐड कर लें। मतलब कि जब आपने इस फार्मूला को ओपन करना है स्केयर को, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर माइनस माइनस टर्म में है तो ये माइनस आएगा, टू एंड फार्मूला का टू, ठीक है, फोर ए एक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर जो है वो मिसिंग है, आपने इसको ऐड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म हमने देख ली, फिर अब क्या है, सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्केयर प्लस फोर यहाँ पे आना है, ठीक है, फोर सी एक्स स्केयर माइनस हमारे पास क्या बन गया, माइनस फोर सी ए एक्स। अब हमने निकालनी क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है और सी सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, सी की वैल्यू हमने निकाली है, हम सी की वैल्यू को यूज करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या करना है कि वो एक्स के कोफिशियंट देखने हैं, ठीक है, एक्स स्केयर के कोफिशियंट देखने हैं कि ये कहाँ कहाँ पे एक्स स्केयर है। तो इस पूरी इक्वेशन में 2 ए एक्स स्केयर है और ये हमारे पास प्लस सी एक्स स्केयर है, बल्कि ये 4 सी एक्स स्केयर है, यहाँ पे 4 सी एक्स स्केयर है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर इन द अबव इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 ए प्लस 4 सी, ठीक है, यहाँ पे 4 सी आ जाएगा, एक्स स्केयर नहीं लिखेंगे हम, एक्स कंपेरिजन में एक्स स्केयर हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप ये सिंपली कह लें कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
फोर्स इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ए की वैल्यू निकालनी होगी अगर हमने, तो फिर वो हमारे पास क्या बन गया कि ये टू इधर जाके डिवाइड होगा तो ये टू सी बन गया, ठीक है, माइनस टू सी बन जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस टू सी। अब सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वन ओवर ए माइनस टू बी स्क्वायर, तो टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर ए माइनस टू बी स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, कि ए हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, ए इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस टू बी स्क्वायर। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, या जैसे हम पहले प्रोसेस सी के लिए किया है, जैसे ये वाला, ठीक है, उसी तरह पुट करेंगे, उसी तरह वैल्यू निकाल लें, तो भी हमारे पास बी की वैल्यू निकल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है, पहले हमने बी माइनस एक्स को जीरो लिया, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ए माइनस टू एक्स को जीरो लेंगे, तो वहां से ए की वैल्यू क्या निकल सकती है, ए इज इक्वल टू 2x मीन प्लस में आ जाएगा, और यहाँ आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर x इज इक्वल टू हाफ ऑफ a। तो जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू a बाय 2 यूज करोगे, तो ये देखो अगर यहाँ पे a बाय 2 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस a रह गया, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसी तरह a माइनस 2, और यहाँ पे क्या करोगे, a बाय 2 करोगे, तो 2 2 कैंसिल, और a माइनस a जो है ये भी कैंसिल, ठीक है, तो यानी कि ए और सी की वैल्यू खत्म हो जाएंगी, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, बी की वैल्यू, कि बी वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, बी माइनस ए ओवर टू, ठीक है, तो वहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही वैल्यू बनती है बी की, ठीक है, कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, बी इज इक्वल टू यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं, अच्छा नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस टू बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2b कहाँ से आया है, एक्चुअली उन्होंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वो भी आ सकता है, या फिर जैसे इन्होंने बुक में दिया हुआ है आप इसको भी कर सकते हैं, कि पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई किया, आपस में कंपेयर किया, अब हम एक्स के कोफिशियंट को कंपेयर कर लेते हैं कि किस किस टर्म के साथ एक्स है, इसमें नहीं है, इसमें है माइनस ए ए आ गया, ठीक है, इसी तरह माइनस टू ए बी, इसी तरह इस टर्म में है माइनस बी और माइनस सी ए, फोर सी ए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए कॉमन है, ठीक है, माइनस भी बाहर निकालिया हमने, तो ये माइनस ए आ गया, और ए माइनस, और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, टू बी, ए कॉमन निकल आया, ठीक है, ये बी ऐसे ही रहने दे, और ये फोर सी ए है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, हमारे पास सी की वैल्यू भी है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं ए की और सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस टू ओवर ए माइनस टू बी स्क्वायर, तो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास टू इंटू ए प्लस टू बी, ये वाला आ गया, और डिवाइडेड बाई ए माइनस टू बी स्क्वायर। इसी तरह सी की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास क्या है, ये माइनस इधर आ गया, फोर ए ऐसे ही रह गया, और सी की वैल्यू हमारे पास वन ओवर ए माइनस टू बी था, तो वन ओवर ए माइनस टू बी स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाली टर्म का जो है हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, हम पहले इसको इधर ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कि ये टू ए प्लस फोर बी है, और ये हमारे पास क्या है, जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस फोर आएगा, तो इनकी अगर आपस में, अब देखिए फोर ए माइनस में है और टू ए प्लस में है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर माइनस टू ए आ जाएगा, और फोर बी हमारे पास ये बन गया। उसके अंदर से भी टू हमने कॉमन ले लिया, और बी माइनस टू बी माइनस ए आ गया, और नीचे हमारे पास ए माइनस टू बी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं,
जो हमने इंटीग्रेशन के लिए इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स यूटिलाइज हुए थे, तो वहाँ पे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन देखें, तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास। अब इन टर्म में ये हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है जो तीनों में आ रही है, ए माइनस टू बी स्केयर जो है वो तीनों टर्म में आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, माइनस टू ए माइनस टू एक्स प्लस हमारे पास टू टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस टू एक्स स्केयर, और इधर हमारे पास क्या रह गया, वन ओवर बी माइनस एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अब हमें इनकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए ईजी हो गया कि कॉमन टर्म को हमने सेपरेट आउट कर दिया और दूसरी टर्म का जो है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आपने अगर याद हो कि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या रूल था, कि वन ओवर एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, लॉग नेचुरल एक्स। अगर डी डिनोमिनेटर में ये जो वेरिएबल्स है उसके साथ माइनस है तो वो माइनस में आएगा, अगर इसके साथ प्लस है तो वो प्लस में आएगी, ठीक है। अब ये जो टू है ये इंटीग्रेशन के रिजल्ट में जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है तो, और इधर भी माइनस है हमारे पास, कि इसका रिजल्ट क्या आना था कि वन ओवर ए माइनस टू एक्स की इंटीग्रेशन का रिजल्ट है हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस टू एक्स, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, ये आ गया। अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास कि उसमें टू बी माइनस ए है वो तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो इस टर्म की आएगी ए माइनस टू एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब हमारे पास क्या ये डिनोमिनेटर में स्केयर था तो ये ऊपर जाके माइनस टू हो गया, तो ये सेकंड ऑर्डर वाली जो इक्वेशन थी आपने जैसे उसकी इंटीग्रेशन की थी पावर रूल के लिहाज से कि माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है इन द एंड, हमारे पास वन ओवर ए माइनस टू एक्स आता है, तो वो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई वन ओवर ए माइनस टू एक्स, और ये ऊपर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू इसके ऊपर आ गई, कि ये क्या बन गया हमारे पास 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस टू एक्स। उस साइड में हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन है, ठीक है, कि b माइनस एक्स है, जैसे वहाँ पहले हमारे पास a माइनस एक्स था तो यहाँ पर b माइनस एक्स है, तो उसके रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस लॉग नेचुरल b माइनस एक्स। तो अब आपको पता है लॉग नेचुरल में जो टर्म आती है नेगेटिव में आती है तो वो क्या है डिनोमिनेटर में चल जाती है, तो ये डिनोमिनेटर में ये इक्वेशन चली जाएगी। तो ये तो थी इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन निकाली और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास के डी टी था तो ये के टी प्लस सी आ गया, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। सेम प्रोसेस के हमने सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब टाइम जीरो है तो हमारे पास कंसंट्रेशन भी जीरो आ जाती है, तो एक्स की कंसंट्रेशन जब जीरो आ रही है तो हम इस इक्वेशन में एक्स जहाँ जहाँ पे है वो वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन ओवर ए माइनस टू बी स्क्वायर लॉग नेचुरल ए माइनस, जब जीरो पुट करेंगे ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये लॉग नेचुरल ए ओवर बी बन गया, और ये हमारे पास टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए रह जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सी की वैल्यू हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू के इधर इक्वेशन में पुट करेंगे, इस साइड पे आके ये प्लस में है लेकिन इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस में टर्म हो जाएगी, और ये बाकी हमारे पास इज इक्वल टू के टी रह गया। इसके अंदर से अब हमने क्या करना है कि जो कॉमन टर्म है पहले तो वो निकाल लें हम, ठीक है। अब कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, वन ओवर ए माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक, हमने कॉमन निकाल लिया, ये टर्म हमारे पास ऐसी ही रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि ये टर्म लिख ली, जैसे कि ये क्या है हमारे पास लॉग नेचुरल ए माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स, और इधर हमारे पास लॉग नेचुरल में जो टर्म है वो माइनस में है, इसका मतलब है जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो उसी को इन्होंने सॉल्व किया यहाँ पे, तो इसकी फाइनल हमारे पास क्या बन रही है कि ए जो है नीचे चला गया और बी जो है वो ऊपर चला गया इस साइड पे, ठीक है, ये उसकी फाइनल उन्होंने इधर सॉल्व किया हुआ है। अब दूसरी टर्म हमारे पास क्या रहेगी, ठीक है, जिसमें लॉग नहीं है, ये क्या है हमारे पास टर्म 2b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस टू एक्स, और माइनस ये वाला 2b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। अब हमारे पास क्या है कि इधर से ये टर्म कॉमन है, ठीक है,
टू बी माइनस ए वाली टर्म जो है दोनों टर्म्स के अंदर आ रही है, ये हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन ओवर ए माइनस टू एक्स माइनस वन ओवर ए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे इस इक्वेशन, इस साइड का हम एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, ए माइनस ए आएगा फर्स्ट टर्म के लिए, और दूसरी टर्म के लिए क्या आ जाएगा, ए माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई कैंसल आउट हो रहा है, ए ए प्लस में भी है और ए माइनस में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, टू एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ इस लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ टू एक्स रह गया था ना, ठीक है, मीन के टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी फाइनल इक्वेशन आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो साइड पे टर्म है ये तो डिवाइड हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है, मीन ए ये हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है ना, ए की भी इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, या इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें कोई एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरह बी भी है हमारे पास, तो ए माइनस टू बी स्केयर जो यहाँ कॉमन टर्म थी हमने इक्वेशन के इसकी दूसरी साइड पे ले गई, और उधर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब हम देखें, ठीक है, कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, जो कि फाइनल हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब हमारे पास सिर्फ दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं और एक की रिएक्टेंट का स्केयर है इसका मतलब है, और दूसरी की रिएक्टेंट का पार्ट जो है वो वन है, तो तभी वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिटरमिन फ्रॉम स्लोप, कि स्लोप हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास टर्म कंसंट्रेशन टर्म वाई एक्सिस है, ये टाइम जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। तो स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को डिवाइड कर दें ए माइनस टू बी स्केयर से, तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि स्लोप है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास इतनी आ रही है, 4 पर सेकेंड आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए उसने बता दी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी बता दिया, आप उसका स्केयर लो और वहाँ वैल्यू पुट करें, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो था हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जिसका फोर्थ केस भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट्स अपने नोट्स बनाने हैं, और साथ साथ असाइनमेंट के लिए भी इसको लिखना है, और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को।